Right, so we are in Karachi. Your name is, I don't know. ठीक है, और चूज अ वेरी सिंपल पासवर्ड बार बार, क्योंकि वो बार बार पासवर्ड मांगता है, लॉग इन ऑटोमेटिकली. ठीक है, आज सुबह मैं क्लिक सेंस पे काम कर रहा था. किस पे सर? क्लिक सेंस. हां, जो क्लिक व्यू का जो सेल्फ सर्विस बीआई टूल आया ना, तो आई हैड अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि मैं खुद सीखता हूँ विदाउट टेकिंग एनी ट्यूटोरियल्स. मोस्ट मैं ये करता हूँ कि यूट्यूब पे जाके कोई फीचर सीख लेता हूँ, लेकिन आई डोंट टेक अ सर्टिफिकेशन कोर्स. तो मुझे बड़ी मुशक्कत होती शुरू में, लेकिन इट इज अमेजिंग. Learning it that way is the best way to learn. ये अभी हमने बीआई के कोर्स में चार टूल्स पढ़ लिए और मैंने खुद उस पे हैंड्स ऑन करके देखा. एक तो गूगल डेटा स्टूडियो, फिर पावर बीआई, टैब्लू और अब क्लिकसेंस. क्लिकसेंस पेड है सर, लाइक वो ट्रायल पीरियड पे? नहीं, आप एजुकेशनल लाइसेंस ले सकते हैं. इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक लाइक 2 to 3 days, लेकिन जो आपका ईडीयू ईमेल एड्रेस के थ्रू आप एजुकेशनल लाइसेंस ले सकते हैं. क्लाउड पे चलता है सारा वो. टैब्लू फिर भी चलो ड्यू टू इट्स वेरी इंटरेक्टिव वे ऑफ वर्किंग उसका नंबर वन आप कर सकते हैं. पावर बी आई तो किसी हाल में भी नंबर वन नहीं हो सकता, लेकिन आई थिंक बहुत सारी चीजों में क्लिक सेंस बहुत आगे है. इट्स रियली अमेजिंग. हमें इसका पता नहीं है असल में अभी. टेक योर म्यूजिक विद यू. अब ये रमजान में ना लेके जाइएगा आप यार. हमारे यहाँ असल में डिविनिटी के कॉन्सेप्ट को सबसे कम टाइम दिया जाता है और अपने थॉट्स को सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है. इंसान की नेचर में ये बात है. हालांकि वी शुड डिस्कवर गॉड, उसमें ज़्यादा हमारा फायदा उसी के अंदर है. उसमें बस अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो हम इसमें अब करने जाएंगे, बेसिकली मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं. एक तो आप कह लें कि इस पे जीटा आर्किटेक्चर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, दैट्स प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड. 2-3 प्रोजेक्ट्स लैम्डा पे बने हुए हैं. ठीक है, तो हमारा जो मेन अभी काम होगा ना अगले 2-3 सेशंस के अंदर, वो ये होगा कि हम सबसे पहले तो ये डॉकर वगैरह और सब चीज़ें इसको हम चला के देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है. उसके बाद फिर हम कुछ इंडिविजुअल लैब्स पर आएंगे, जैसे स्पार्क की एक लैब करेंगे सबसे पहले, ताकि आपका थोड़ा सा उस पर हैंड्स ऑन बिल्डअप हो. और फिर आखिर में हम आर्किटेक्चर्स को करेंगे. वो ज़रा आर्किटेक्चर्स को करना ना काफ़ी मुश्किल काम होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी डिपेंडेंसीज आपको साथ में चलानी पड़ती हैं. यू हैव टू राइट सम एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट्स जिसके थ्रू फिर वो चीज़ चलती है. तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे.
इस कोर्स का असल में आप लोगों को कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आर्किटेक्चर के बगैर हमारा काम चल नहीं सकता, ठीक है। और कोई भी अगर आपने बिग डेटा पे काम करना हो तो आपको कोई पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, चाहे कापा पे बनानी हो चाहे लैम्डा की बनानी हो, उसके आपको पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। या सिंपल एक मैप रिड्यूस की पाइपलाइन बनानी हो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए अभी ये कितनी ये खज्जल करना पड़ता है काफी ज्यादा ना, बहुत क्वारी करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो है वो यू नीड टू हैव वेरी गुड बेस इन यूबंटू, और फिर आपको डॉकर के ऊपर बड़ा अच्छा हाथ आना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि डॉकर के ऊपर मैं स्वॉर्म किस तरह बनाता हूँ, क्लस्टर्स किस तरह बनाता हूँ, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो है ना वो ऑब्वियसली उसके बाद फिर डॉकर के थ्रू आप पूरा आर्किटेक्चर खड़ा कर सकते हैं। डॉकर कंपोज जो टूल है ना, डॉकर का जो कंपोज टूल है उसमें आप पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, जिसके थ्रू मुख्तलिफ कंटेनर्स आपस में बातचीत करेंगे और आर्किटेक्चर चलेगा। ये चीज है असल में। तो आप लोग कर रहे हैं साथ साथ इंस्टॉलेशन भाई? ऑल ऑफ यू प्लीज आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस, क्योंकि इसमें आपके इसके आपके नंबर होंगे, यू विल बी मार्क्ड फॉर दिस। मैं भी आपसे वो आई विल बी आस्किंग यू टू सबमिट स्नैपशॉट्स ऑफ योर वर्क। आई थिंक अभी हम रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, जस्ट पॉज इट। आफ्टर रिमूविंग ऑल द डॉकर फाइल्स, प्रीवियस डॉकर फाइल जो कि अभी हमारे पास नहीं है ऑब्वियसली, तो आई विल राइट सूडो एप्ट गेट अपडेट। इससे वो बेसिकली आपकी रिपोजिटरी को रिफ्रेश कर देता है, जो अपडेट वगैरह करने हो, करंटली इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स के अपडेट्स हो तो वो अपडेट कर देता है छोटे मोटे। तो ये कमांड लाइन चलाते रहनी चाहिए। हाँ तो अब क्लियर कर दें ताकि मुझे सर सही तरह समझ में आए। सूडो एड गेट इंस्टॉल। अब ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो डॉकर को चाहिए होती हैं, एपीटी ट्रांसपोर्ट एचटीटीपीएस। उसके बाद अगर आप उसको अगले लाइन पे लाना चाहते हैं तो स्लैश करके अगली लाइन पे आप लिख सकते हैं, ताकि आपके सीए सर्टिफिकेट्स फिर स्लैश करके फिर कर्ल। ये कर्ल जो है ना वो यार ये गलती हो गई यार। HTTPS और फिर CA सर्टिफिकेट्स। कर्ल जो है ना आपके कमांड लाइन से आपके कोई यूआरएल को एक्सेस करता है, और GNUPG एजेंट। और सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज, ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं, ये डॉकर की वेबसाइट पे सब पड़ा हुआ था। तो यस मैंने डॉकर के चलने के लिए इन चीजों की वो पहले इंस्टॉल करने की जरूरत है, इसका मतलब ये है, ठीक है। सर ये मेरा हो गया डाउनलोड, तो वो कह रहा है कि रीस्टार्ट करें अपना पीसी। क्या बोल रही हैं? ये मेरा वर्चुअल वर्क जो है ना हो गया डाउनलोड, तो कह रहा है रीस्टार्ट नाउ। हाँ, वो रीस्टार्ट कर दें आप, बिल्कुल रीस्टार्ट करें। अच्छा ये कर्ल कमांड है https डाउनलोड डॉट। अब ये मैं डायरेक्टली कर्ल के थ्रू डॉकर की वेबसाइट से डॉकर की इंस्टॉलेशन उठा रहा हूँ लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। लिनक्स यूबुंटू जपच जीपीजी। और फिर उसको असल में ना उसको आपको उसकी की आपको ऐड करवानी पड़ेगी, लिनक्स को की देनी पड़ती है
जो उस सॉफ्टवेयर की है ताकि वो रजिस्टर हो जाए लिनक्स के साथ ना, ये ओके कर दिया उसने। अब सूडो ये चेक करने के लिए है ऐप की फिंगरप्रिंट। चलिए ये 0EBFCD88 है, ये क्या वैल्यू है? ये बेसिकली मैंने अपना फिंगरप्रिंट क्रिएट किया है। अच्छा, ये आपने अपनी तरफ से दिए? हाँ हाँ, ये फिंगरप्रिंट क्रिएट किया है तो ये उसके लिए है। अच्छा, अब ये है कि उसकी डॉकर की एक कन्वीनियंस स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई हुई डॉकर की वेबसाइट पे, ठीक है? तो ये आप कन्वीनियंस स्क्रिप्ट में, अगर आप डॉकर अलग से इंस्टॉल करने बैठेंगे ना तो आपकी जान निकल जाएगी, ठीक है? वो बहुत मुश्किल काम है और उसमें आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं। तो कन्वीनियंस स्क्रिप्ट में ये एक स्क्रिप्ट बना के रख दी है, उसके अंदर सारी कमांड्स हैं। -O ये .sh फाइल है जो स्क्रिप्ट फाइल होती है, गेट डॉकर .sh, अलग करे पड़ी हुई है वहां पे भी। हाँ, ये उसने पकड़ लिया। अब मैं उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सर, आपकी स्क्रीन पूरी विजिबल नहीं है, अब सही है? आई थिंक अब बेटर है शायद, अब सही है। ये कन्वीनियंस स्क्रिप्ट है तो ये अब हो रही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, क्या ख्याल है, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं? मुझे जरा लेकर जाना है वाइफ को एक जगह पे, आई जस्ट हैव टू ड्रॉप हर ऑफ। ठीक है सर। तो आप लोग मतलब ये जस्ट फॉलो द कमांड्स और मैं भी आके वही काम करूंगा। सर, ये जो आपने कमांड चलाई थी ना sudo rm-rf वाली, वो नहीं चल रहा मेरे पास, आ रहा है rm invalid option है। ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि अमार आप जरा डीबग कर सकते हैं इनके लिए? मैं बस जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, सही है? ठीक है सर। So just going through these commands or as they are in the manual, ताकि हर चीज उस तरीके से है। ये pull का मतलब pull from the repository, ये भी कर रहा है इसको। I think it's almost done. थोड़ा stuck सा हो गया डाउनलोडिंग के ऊपर, शायद नेट का मसला तो नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से नेट का इश्यू है। इसको तो देखते हैं अभी। आई जस्ट वॉन्ट टू डू एवरीथिंग ताकि वो टाइमिंग की आप लोग फिक्र नहीं करें, टाइमिंग हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको मैंने तो आपको ये स्क्रीनशॉट करके भेज दिया था, तो मेरी तो ये असाइनमेंट हो ही भी है ना। अमर, आपको आपको बस अपनी सर्टिफिकेशंस और मार्क्स की बड़ी परेशानी होती है यार। हां सर, ऑलवेज हैव टू कंफर्म ना। उसका कोई देखें, मार्क्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट में आप कोर्सेज में बैठेंगे आप परेशान हो जाएंगे, मतलब ना मैं मिड टर्म लेता हूँ ना मैं फाइनल एग्जाम ले रहा हूँ। आप लोग अभी देखें, मैंने कोई मिड टर्म नहीं लिया, कोई फाइनल एग्जाम नहीं लिया, मतलब मामला हमारा जो है ना वो लर्निंग का है, दैट इज द थिंग। तो अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें, अब ये एक वेल आ गई जो कह रही है भू, ठीक है? अब अगर मैं कहता हूँ कि
Tweedledum. अब ये वही डॉकर इमेज है, लेकिन उसका एक और नया कंटेनर लॉन्च होगा. तो अब ये वेल कैरी है Tweedledum. ये एलिस इन वंडरलैंड का कैरेक्टर था Tweedledum, Tweedledee, अगर आपको याद हो की बातें. तो ये आप देखें, मैं एक ही इंस्टेंस, एक ही इमेज के कई कंटेनर्स मैंने लॉन्च किए. और फिर ये Nginx जो आपका जो वेब सर्वर है, अगर आपने वो चलाना है, देखें अब Nginx आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. आप Nginx का डॉकर कह दें भाई रन करो. अच्छा, ये सूडो करना पड़ेगा मुझे. क्या ये मेरा भी इशू आया था, सूडो करना होगा. अब चूंकि ये पूरा एक वेब सर्वर है, तो देयरफॉर इट विल टेक सम टाइम. लेकिन अब देखें ना, मुझे Nginx वेब सर्वर डाउनलोड करने की, अगर मैंने Nginx वेब सर्वर अपने बिग डेटा आर्किटेक्चर में यूज करना है और मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मुझे कोई अगर वेब पेज पे चीज दिखानी है अपाची फ्लास्क के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, तो वो मुझे करना पड़ेगा. जाहिर सी बात है, मुझे करना पड़ेगा. तो उस केस में जो है ना, फिर मैं Nginx का मैं कंटेनर डाउनलोड कर लूंगा. मुझे Nginx खुद ब खुद इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अब ये ये मेरा ख्याल में अभी हो गया है. इसको आमतौर पे हम मेरे ख्याल में -D करके बैकग्राउंड में चलाते हैं. अच्छा, अगर मैं कहता हूँ डॉकर PS, तो ये देखें अभी रनिंग कंटेनर्स जो है ना, ये आपको बता रहा है कि कंटेनर्स अभी, जो कि मैंने इसको -D करके, चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. तो मैं एक और लॉन्च करता हूँ. ये कंटेनर की आईडी आ गई. ठीक है, अब मैं करता हूँ कि sudo docker ps. अब दो मेरे कंटेनर्स चल रहे हैं जो कि Nginx के हैं, ये बैकग्राउंड में चल रहे हैं. ठीक है, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ. ये देखिए, इनका अपना ये पोर्ट है, ये इस पोर्ट के ऊपर अवेलेबल है. 80 पोर्ट के थ्रू मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ. ये इनके थोड़े से अजीबोगरीब किस्म के नाम है, हार्डकोर, डिफी, अमेजिंग, Matsumoto. अब जो भी कंटेनर रन करता है ना, तो वो डॉकर उसको बाय डिफॉल्ट ये अजीबोगरीब किस्म के नाम असाइन करता है. हम इन नामों के थ्रू इन कंटेनर्स को पहचान सकते हैं. वैसे तो इनकी आईडीज भी हैं, ये कंटेनर की आईडीज हैं, इनके थ्रू हम कंटेनर्स को पहचान सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं. वैसे मैंने Nginx के कंटेनर को स्पार्क के कंटेनर के साथ लिंक करना है, तो वो मैं डॉकर कंपोज के थ्रू मैं इन दोनों कंटेनर्स को आपस में लिंक कर सकता हूँ. ठीक है, तो अभी चीज़ें खैर आती जाएंगी. अच्छा, अब आगे क्या है, सारे कंटेनर्स अगर देखने आपने, तो डॉकर ps -a. अबे यार, ये सूडो का क्या हिसाब किताब चल रहा है. असल में रूट यूजर नहीं हूँ ना अभी. तो ये देखें, अभी तक जितने कंटेनर्स हमने क्रिएट किए हैं, सबका उन्होंने नाम आप देखें, डिस्ट्रैक्टेड बॉर्ड, स्टूपिफाइड लीमैन, बिजी गोल्डस्टाइन, अमेजिंग Matsumoto, अपबीट जोवोस्की, एंड सो ऑन एंड सो फोर. ठीक है, तो ये ps -a से सारे आपके पुराने कंटेनर्स आपको बता देगा. और अगर आपने कोई रिमूव करना है डॉकर स्टॉक, तो हार्डकोर डिफी स्टॉप करना है यार, तो हार्डकोर डिफी उसको स्टॉप हो जाएगा. और इसी तरह जो है ना, अगर आपने अमेजिंग Matsumoto करना है, ये बाय डिफॉल्ट उसको पकड़ेगा नहीं, अमेजिंग Matsumoto. तो ये उसको, तो अगर आप करेंगे sudo docker ps, अभी कोई कंटेनर नहीं चला, मैं सारे कंटेनर जो है वो स्टॉप कर दिए. ठीक है, और ps -a करेंगे तो सारे आ जाएंगे. रिमूव करना है तो आप rm के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आप उसको कम्प्लीटली लिस्ट से रिमूव करना चाहें, rm के थ्रू कर सकते हैं. अच्छा, डॉकर इमेजेस क्या करेगा, वो सारे इमेजेस आपको दिखाएगा. ये मैं रूट यूजर इंशाल्लाह बाद में, जितने भी इमेजेस आपने देखे अभी तक, हमने ये तीन इमेजेस डाउनलोड किए हैं डॉकर वेल से, हेलो वर्ल्ड, Nginx. ठीक है सर, सुपर डॉकर इमेजेस था.
आगे फिर डॉकर रन की कमांड है, रन आप देख चुके हैं, ये फिर बाकी जरा तरह तफसीली। अब आप दूसरे लैब पे आ जाए जो क्लाउडेरा वाली है। अच्छा इमेज को हम पुल करते हैं, हमने तो ये किया ना, हमने डायरेक्टली रन कर दिया था, अब इमेज को आप पुल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि sudo docker pull और क्लाउडेरा का जो क्विक स्टार्ट है, अब ये बेसिकली क्लाउडेरा वाले पहले वर्चुअल मशीन देते थे, अभी भी देते होंगे, स्लैश क्विक स्टार्ट, उन्होंने अपने डॉकर का नाम क्विक स्टार्ट रखा है और टैग, ये कोलन के बाद टैग होता है, तो हर कंटेनर जो कि रिपोजिटरी में होता है उसका बेसिकली मुख्तलिफ टैग्स होते हैं, जैसे कि आप वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 करते हैं ना, तो लेटेस्ट का मतलब है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो उठा के ले आओ। अब इसको पुल करने में टाइम लगेगा क्योंकि ये तकरीबन 4 GB का डॉकर है, ये देखिए 4 GB का, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको आप लोग स्टार्ट करें। ये बेसिकली इस पूरे डॉकर कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा हडूप इकोसिस्टम आपका चल रहा है, इसके अंदर एच बेस और यानी आपका स्पार्क और जनाब मैप रिड्यूस, हडूप तो इंस्टॉल हुआ ही हुआ है, हडूप के ऊपर स्पार्क भी चल रहा है, हाइप भी चल रहा है, एच बेस भी चल रहा है और उसके मुख्तलिफ और फंक्शनैलिटीज हैं जो कि चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ हैंड्स ऑन चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम हमारा ये है कि हडूप के अंदर चीज़ों को दोबारा से हडूप को अपनी तरफ से इंस्टॉल करना वो किसी के बस की बात भी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है ना क्लाउड पर चले जाते हैं और क्लाउड का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो वो हम ज़ाहिर सी बात है कि वी डोंट हैव द टाइम टू डू दैट, अनलेस कि मैं खुद सारा काम करूं बैठ के, उसका भी हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये आपको एक बना बनाया चीज़ मिल गया जो कि हम बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या आपके जैसे आप जैसे प्रोफेशनल्स हैं उनको सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के अंदर काम करना है जाके, तो ये वही होगा कि कंपनी में क्या होगा कि आपके पास you are always going to have in the IT department several server machines. Server machines के ऊपर आपको एक basically एक layer create करनी पड़ेगी virtualization की। Virtualization का मतलब आपको पता चल गया है कि I virtualize the resources, ठीक है, कि मेरे जो operating system यहाँ पे चल रहे हैं उनके resources को मैं virtualize करता हूँ दूसरों के लिए। तो वो वर्चुअलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो VMs के थ्रू हो सकती है, एक कंटेनर्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली वर्चुअलाइजेशन का एक पूरा के सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू मैं वो काम कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मैं यहां पे तकरीबन 6-7 VMs बना के रखूंगा और हर VM जो है ना वो बेसिकली 2 PCs की पावर को यूज करेगी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। तो उसके लिए मुझे वर्चुअलाइजेशन का एक वो चाहिए, क्या कहते हैं, I need to have a software. तो OpenStack is one software जो कि हम use कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ proprietary softwares भी हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो they are virtualization softwares जिसके through, जैसे मेरे ख्याल में ES क्या है वो, तो बता सकता है EXI है, इस तरह कुछ है, मुझे भी नाम इसका याद नहीं आ रहा, let me just cross check that. हाँ ESXi, ये VMware वालों का है, दैट्स कॉल्ड ESXi, ये VMware वालों का वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर को मैं यूज कर सकता हूँ, बाकी मैंने आपको नाम आज बता दिया, ओपन स्टैक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लेवल के ऊपर इस तरह का काम होगा, लेकिन मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एक्चुअल चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो आपके पास हर कंपनी के अंदर जो है ना आपके पास IT डिपार्टमेंट मौजूद है, ठीक है, यू गॉट द IT डिपार्टमेंट और उसके ऊपर IT डिपार्टमेंट वाले अगर एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर लगा लें, तो उस वर्चुअलाइजेशन की लेयर में बेसिकली मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि अब इसमें हमने सोचना ये है कि अगर मैंने इन तीनों की रिसोर्सेज को एक कंबाइंड पूल में इस्तेमाल करना है, तो ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक कंबाइंड पूल आ गया, वर्चुअलाइजेशन ये करेगा। तो ये मेरा ओपन स्टैक का एक लेयर है
अब उसने क्या किया कि इसकी हार्ड डिस्क रैम, इसकी हार्ड डिस्क रैम, इसकी हार्ड डिस्क रैम को बेसिकली उसने यूनिफाई कर दिया। तो अगर ये 1 TB है, 1 TB, 1 TB, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 TB, ठीक है, और 16 GB, 16 GB, 16 GB, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 48 GB ऑफ रैम। अब ये मेरे पास एक वर्चुअलाइज स्पेस आ गई। अब इसके ऊपर मैंने अपना बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है, जो मैंने अपना लैम्डा बनाना है, या मैंने अपना जीटा बनाना है, या मैंने अपना कापा बनाना है, वो मैं इस चीज को इस्तेमाल करके कर सकता हूँ। समझ आ रही बात की? क्योंकि आमतौर पे जितने भी आईटी डिपार्टमेंट्स हैं तो दे डोंट हैव वन सर्वर, राइट, दे हैव मल्टीपल सर्वर्स। 3-4 सर्वर डेडिकेट करते हैं बिग डेटा के एनालिटिक्स के लिए, या 2 सर्वर डेडिकेट कर लें, उनको वर्चुअलाइज करें, वर्चुअलाइज करने के बाद उसके ऊपर आप अपना बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास 3 TB स्पेस मौजूद है, 48 GB ऑफ मेमोरी मौजूद है, और लिनक्स का पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो दिस इज द, इसका बैकग्राउंड जो है ना यूबंटू ही है, विंडोज इसका फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब इस स्पेस को इस्तेमाल करके आपने अपना पूरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करके वो चला सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। ये आर्किटेक्चर है जो कि हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस काम को करने के लिए आई कैन नॉट वर्क विदाउट डॉकर, डॉकर के बगैर अब ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डॉकर नहीं इस्तेमाल करता तो मुझे फिर लैम्डा आर्किटेक्चर या जीटा आर्किटेक्चर के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्चुअल मशीन्स बनानी पड़ेंगी, सही है। वो वर्चुअल मशीन्स जो है ना वो मुझे बहुत भारी पड़ेंगी और वो मैनेजेबल नहीं होंगी। जब मेरे पास डॉकर आ गया है और मेरे पास एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिवेलपमेंट, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस टेस्टिंग, ठीक है, और कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जब ये मेरे पास पांचों चीज़ें डेवऑप्स के जुमरे में डॉकर के थ्रू मैं कर सकता हूँ और पूरी दुनिया कर रही है, तो मुझे अब इसी स्टैंडर्ड पे चलना है, ठीक है। तो डॉकर इसलिए पहले तो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब डॉकर की कम्युनिटी में 3-4 चीज़ें आ गई हैं, जैसे डॉकर का एक टूल है स्वॉर्म। स्वॉर्म क्या करता है कि जी वो बेसिकली मुख्तलिफ डॉकर कंटेनर्स को आपस में क्लस्टर कर देता है, ठीक है, और ये कंटेनर्स आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ये क्लस्टर कर देता है। दैट इज जैसे हडूप है ना, इसी तरह डॉकर स्वॉर्म आपस में कंटेनर्स आपस में एक पूरा क्लस्टर बना लेते हैं। इसका हडूप से ताल्लुक नहीं है, ये डॉकर स्वॉर्म अलग बनता है। तो 3-4 कंटेनर्स होंगे, वो आपस में कनेक्टेड होंगे नेटवर्क के थ्रू। डॉकर का अपना नेटवर्क होता है, जिसको हम वन ऑफ द नेटवर्क इज द ब्रिज नेटवर्क, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू कंटेनर आपस में बातचीत करेंगे। दूसरा डॉकर का एक टूल है कंपोज। डॉकर कंपोज क्या करता है कि वो मुझे पूरा आर्किटेक्चर सेटअप करने के लिए एक स्क्रिप्टिंग फाइल दे देता है। मैं उसको बता सकता हूँ, यार एक डॉकर मैं ये कर रहा हूँ, एक ये कर रहा हूँ, 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 ये डॉकर इससे बात करेगा, ये 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 इससे बात करेगा। ये मैं पूरा का पूरा कन्फिग्रेशन डॉकर कंपोज की फाइल में बता देता हूँ। ये उसकी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल बनती है। तो डॉकर कंपोज के थ्रू मैं पूरा आर्किटेक्चर का जो डायग्राम है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैं डॉकर कंपोज के थ्रू स्पेसिफाई कर देता हूँ। यही हमने काम करने है। तो चाहे मैंने कापा बनाना हो, चाहे मैंने लैम्डा बनाना हो, चाहे मैंने जीटा बनाना हो, वो डॉकर कंपोज के थ्रू मैं आर्किटेक्चर जो है ना उसमें बना सकता हूँ। और भी लवाजमाती चीज़ें होती हैं, सिर्फ डॉकर कंटेनर्स में सिर्फ ये नहीं है कि स्पार्क चल रहा है भाई। डॉकर कंटेनर के अंदर वेब सर्वर भी चल रहा होगा, डॉकर कंटेनर के अंदर कोई रैंगलिंग की स्क्रिप्ट भी चल रही होगी, क्योंकि रैंगलिंग भी तो करनी है ना बिग डेटा की। अगर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो इसमें रैंगलिंग भी तो करनी है ना डेटा की, इससे पहले कि आप उसको लेकर जाएं। मैंने आपको लैम्डा आर्किटेक्चर की जो एग्जांपल्स दी थी उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो अब इस तरह जो है ना वो दिस इज द वे यहाँ पर आपका जो सेटअप जो है ना वो होगा, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा अभी हम वेट कर लेते हैं फिर इसको होने के लिए। अब ये जो क्लाउडेरा का क्विक स्टार्ट कंटेनर है, इसमें क्या है कि इसके अंदर एक कंटेनर है और उसके अंदर पूरा का पूरा हडूप का जो इकोसिस्टम है वो इंस्टॉल्ड है। तो मुझे कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करनी, मुझे सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है। आई जस्ट हैव टू यूज दैट, राइट, मुझे आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। तो आई जस्ट हैव टू यूज एचबेस, आई हैव टू यूज स्पार्क। तो आप मुख्तलिफ चीजें इसमें से ट्राई आउट कर सकते हैं। आई हैव टू यूज हाइव, हाइव में हमने बहुत सारे काम किए थे। तो मेरे पास हाइव की लैब्स भी बनी हुई हैं, स्पार्क की लैब्स बनी है। तो पहले मैं आपको लैब्स दूंगा जो कि आप इस कंटेनर पे चलाएंगे,
हाइव की, एच बेस की और स्पार्क की लैब्स आप करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए बेसिक चीजों के साथ। उसके बाद फिर हम सबसे पहले कापा पर आएंगे, उसके बाद फिर लैम्डा पर आएंगे, ठीक है। और फिर जीटा वगैरह ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम बचेगा तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका अभी इस बारे में जो मैंने बताया है? सर बताएं ये हडूप का इकोसिस्टम क्या प्री इंस्टॉल्ड होगा कंटेनर के अंदर? जी 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 बिल्कुल, हडूप का पूरा इकोसिस्टम जो कि रेलिवेंट है हमारे लिए, जिसमें मेन चीज तो देखें हडूप एचडीएफएस है और स्पार्क है, मेन चीज तो हमें ये चाहिए। और मैप रिड्यूस भी उसमें चला सकते हैं, अगर आपने हडूप इंस्टॉल कर लिया दैट मींस के बाय डिफॉल्ट उसकी प्रोसेसिंग मैप रिड्यूस के थ्रू होगी, आपको बस मैप रिड्यूस का कोड उसको देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे ये आईटी डिपार्टमेंट नहीं, आईटी डिपार्टमेंट को इसका कुछ भी नहीं पता होगा। आईटी डिपार्टमेंट तो हमारे अक्सर विंडोज बेस्ड चल रहे हैं पाकिस्तान में, जहां तक मेरा अपना ताल्लुक है। जहां पे लिनक्स वगैरह पे काम हो रहा है वो इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन वो लोग हडूप वगैरह कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? हडूप की एप्लीकेशन तो नेक्स्ट टू जीरो हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आपको अगर बेसिकली बिग डेटा एनालिटिक्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है तो आपको एग्जैक्टली वो काम करना पड़ेगा कि आईटी वालों के साथ एक सर्वर मशीन लेके, एक सर्वर मशीन ले लें, अगर दो लेंगे तो आपको वर्चुअलाइजेशन करवानी पड़ेगी, उसके ऊपर फिर आपको पूरी सर्वर के ऊपर आपको पूरा अपना, पहले आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे या फिर क्लाउडेरा का कंटेनर तो आपको काम नहीं देगा। आपको बेसिकली अलग से सारी चीजें हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, इन सब चीजों के डॉकर्स आपको डॉकर रिपोजिटरी से डाउनलोड करके चलाने पड़ेंगे। यू कैन नॉट यूज दिस, मतलब आप क्लाउडेरा इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो किसी आर्किटेक्चर का हिस्सा इतनी आराम से नहीं बन सकता ना, क्योंकि वो तो खुद एक पैकेज चीज है जो कि आपको हैंड्स ऑन करवाने के लिए बेसिकली उन्होंने आसानी की हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं, वर्चुअलाइजेशन लेयर पे सब डालना होता है इन ऑर्डर टू मेक इट अवेलेबल ऑन द कंटेनर। हां मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हम डॉकर हब पे चले जाए ना, तो डॉकर हब के ऊपर आई थिंक कि मैंने साइन, अब देखिए सिस्टम, खैर सिस्टम स्लो शायद इस वजह से हो रहा है कि मेरे पास वर्चुअल मशीन चल रही है। मेरी डॉकर आईडी मेरे ख्याल में यही थी, साइन इन करना है ना मुझे, सॉरी। हाँ ये आ, आई होप हाँ ये साइन इन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लेट्स से कि मैं सर्च करता हूँ, लेट्स से स्पार्क, क्या कह रहे हैं डाउनलोड द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अच्छा ये आ रहा है यार, देखिए कसांड्रा का डॉकर है आपके पास, जू कीपर का भी डॉकर अलग चल रहा है, लेकिन आमतौर पे मुझे ये चीज नहीं चाहिए होगी। अपाची स्पार्क इज नॉट शोइंग द हिट्स, और ये हडूप का देखिए डेटा नोड है, इसी यही वजह है कि ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं और लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। आप नेम नोड और डेटा नोड अलग अलग मिल रहे हैं आपको हडूप में ना, That's not what you want. You want, ये कह रहा है कुछ Hadoop Docker. Let's see what this is. Um,
ये हडूप डॉकर है और हाँ ये कुछ मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस आईक्यू का जो है ना ये जरा मशहूर है सीक्वेंस आईक्यू, आई थिंक इट्स अ कंपनी, मुझे इसका इतना पता नहीं है लेकिन मैंने इसका नाम कई दफा पहले सुना हुआ है। हाँ ये कोई हॉर्टनवर्क्स है, पैरेंट हॉर्टनवर्क्स की एक वो शाख है बेसिकली। तो हॉर्टनवर्क्स को तो खैर क्लाउडेरा ने एक्वायर कर लिया है, तो ये इनका बना बनाया हडूप का पूरा डॉकर है जिसके अंदर सब कुछ होगा। मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर स्पार्क होगा कि नहीं होगा। इन एनी केस अगर हमने आर्किटेक्चर्स बिल्डअप करनी है तो हमें इस तरह के बने बनाए डॉकर्स चाहिए, एंड द होल पर्पज ऑफ यूजिंग डॉकर्स इज कि ये चीज हमें मिल जाएगी, वरना तो कोई फायदा नहीं है उसका ना। तो ये सीक्वेंस आईक्यू का आप कर सकते हैं और इसके पोल्स आप देखने कितने हुए हैं अभी तक ना, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं, पोल्स हो गए इसके। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीजें उन्होंने डाली है। देखें ये इसके टैग्स हैं, ये लेटेस्ट टैग इसका ये वाला है 2.7.1, ये इसके सारे टैग्स आ रहे हैं। अब इसको आप, ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे सकता हूँ कि आप इसको जरा पुल करके देखें कि इज इट व्हाट डज इट कंटेन, उस पर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा ये इसका सॉरी ये अभी कितना हुआ इसका, अभी 2.5 GB डाउनलोड हो गया है, सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर। हाँ तो ये सीक्वेंस आईक्यू का हडूप डॉकर है, आई थिंक इसके अंदर सारी चीजें भरी बनाई है, लेकिन बट इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म अ हडूप क्लस्टर, ये तो सिंगल नोड हडूप होगा ना, समझ में आ रही बात की? तो डॉकर्स के थ्रू मैं वो मैनेज इतनी आराम से कर नहीं सकूंगा, काफी मुझे फौरी का काम हो जाएगा। डॉकर्स का मकसद ये भी नहीं होगा कि मैं मल्टी नोड एनवायरनमेंट बनाऊं। हाँ ये हो सकता है, इस तरह की बात आप सोचें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से कि मेरे पास 3 जो है वो सर्वर मशीन्स हैं और मैंने इस पे एक सीक्वेंस आईक्यू का डॉकर डाला, यहाँ पे दूसरा डाला, यहाँ पे तीसरा डाला। द डॉकर शुड बी रनिंग ऑन ऑल द 3 मशीन्स। तो जिस तरह हमने डॉकर अभी अपने इंस्टॉल किया है, इस तरह तीनों मशीन्स के ऊपर आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर आप तीनों मशीन्स पे ये वाला आइकन सॉरी कंटेनर पुल करेंगे, इमेज पुल करेंगे, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि इनको मैंने आपस में बातचीत कैसे करवानी है, ताकि ये मेरा नेम नोड हो जाए, ये मेरे डेटा नोड यानी स्लेव्स हो जाए, और ये मेरा आपस में क्लस्टर सेटअप हो जाए। ये पॉसिबल है लेकिन ये काफी मुश्किल काम है डॉकर्स के थ्रू करवाना। अगर डॉकर के थ्रू नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर हडूप इंस्टॉल करें, यहाँ पर हडूप इंस्टॉल करें, यहाँ पर हडूप इंस्टॉल करें और आपस में मल्टी नोड एनवायरनमेंट सेटअप कर लें, वो भी एक ख्वारी वाला काम है, ठीक है? तो हम आमतौर पर करते ये कि इस ख्वारी से बचने के लिए हम क्लाउड पर चले जाते हैं। तो क्लाउड के ऊपर जैसे आपका ये जो AWS का जो है ना, ये इनका ये Amazon का जो EMR है Elastic Map Reduce, इसके अंदर आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने बस PCs ऐड करने और वो खुद बहुत क्लस्टर बनता चला जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने इन हाउस करना है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुश्किल काम है, ठीक है? तो ये चीजें हैं, ये डिफिकल्टीज हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में डॉकर से घबरा भी जाते हैं, हडूप से भी घबरा जाते हैं। मैं तो देखें मेरे जेहन में तो ये बात है कि अगर आप किसी भी कंपनी में लैम्डा जाना चाह रहे हैं ना, तो अगर बैच लेयर है तो ठीक है भाई, मैं यहाँ पे एक पीसी की बात करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट 1 PC। एक पीसी मेरा बैच में चल रहा है और एक मेरी सर्वर जो है ना वो चल रही है रियल टाइम के ऊपर, यहाँ पे मैं एक कंटेनर डाउनलोड करूँ, मसलन ये कंटेनर मैं डाउनलोड करके यहाँ चला दूँ, इसके अंदर मैं बैच लेवल के ऊपर काम करूँ, और यही कंटेनर में डाउनलोड करके मैं यहाँ चला दूँ, इसके ऊपर मैं जो है ना वो स्पार्क के ऊपर काम कर लूँ, समझ आ रही मेरी बात की? तो मैं मल्टी नोड एनवायरनमेंट को छोड़ दूँ, मैं सिंगल नोड पे काम कर लूँ, क्योंकि ये मेरे पास सर्वर मशीन्स हैं तो सर्वर मशीन्स के लिए मुझे मल्टी नोड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये अलग चल रहा है, ये मेरा अलग चल रहा है, यहाँ पे फिर मेरे पास वो जो आपकी बीच में वो कौन सी लेयर आती है, प्रेजेंटेशन लेयर आती है, जहाँ पे दोनों के रिजल्ट्स मैं यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ, समझ में आ रही मेरी बात की? तो पहले हम एक सिंपल सिनेरियो क्रिएट करके इस पे एग्जीक्यूशन करके देख सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता।
ठीक है, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर, क्योंकि अभी ये हो रहा है। अब आप देखें कि और किस किस चीज का आपको डॉकर कंटेनर यहाँ पे मिल सकता है। तो हडूप का तो सीक्वेंस आईक्यू का हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अपाची ड्रिल, ज़ूकीपर क्या करता है, ये अपाची ड्रिल का डॉकर आ गया, अपाची वालों ने गालबन डाला हुआ है, ठीक है, ये डॉकर आ गया आपका अपाची ड्रिल। क्या करती है, कौन बताएगा? शाबाश जी। सर क्या चीज? अपाची ड्रिल क्या करता है? अपाची ड्रिल सर एक बात पूछनी थी, वर्चुअल मशीन अगर बना ली और उसके बाद स्पेस कम हो गई है तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं या वापस बनानी पड़ेगी? एक्चुअली वो डॉकर कर रहा था मैं डाउनलोड, तो 2 GB के बाद उसने कह दिया कि स्पेस फिल हो गई। भाई वो मैंने कहा था कि मेमोरी आप इसको तकरीबन 4 GB कर दें और हार्ड डिस्क स्पेस 100 GB करें, तो इतना तो कर लें तो फिर वो नहीं करेगा। हाँ लेकिन ये अब वो उसको मेरी एक्चुअली पहले से बनी हुई थी ना। हाँ हाँ वो सेटिंग्स में जाके आपको देखना पड़ेगा कि आप रन टाइम पे उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ठहरे मैं देखता हूँ इसको। नहीं यहाँ पे डिसेबल्ड आ रहा है क्योंकि मशीन चल रही है। आप ऐसा करें मशीन को बंद करें। ओके मशीन को बिल्कुल शट डाउन करके और फिर ये सिस्टम पे आके ना सेटिंग्स पे सिस्टम पे आके देखें अनेबल होता है कि नहीं। मेरा तो अभी डिसेबल आ रहा है क्योंकि मशीन मेरी चल रही है। ओके मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें ऑप्शन है ऐड हार्ड डिस्क का। ऐड हार्ड डिस्क ये सिस्टम सेटिंग्स पे दबाएं। सेटिंग्स के अंदर स्टोरेज आ रहा है ना। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर सिस्टम दूसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा होगा। ओके ठीक है। बेस मेमोरी आ रहा है। बेस मेमोरी इनेबल है या डिसेबल है? वो तो 1 MB है। नहीं उसको बढ़ा सकते हैं आप? जी जी बढ़ा तो सकते हैं। आप बढ़ाएं उसको 4 MB करें। यार मेरी बेस मेमोरी 1 GB क्यों आ रही है यार? बेस मेमोरी मेमोरी की है या हार्ड डिस्क की बात? तो बेस होती है। हाँ नहीं उसको नहीं छेड़ सकते। ठहरे नहीं उसको नहीं छेड़ सकते। एक मिनट ठहरे। स्टोरेज नहीं भैया आपको दोबारा बनानी पड़ेगी भाई साहब। अच्छा ये तो इसका मतलब ये हुआ कि विंडोज रोक के मैं हार्ड डिस्क दूसरी डाल रहा हूँ। विंडोज को पॉज करके मैं दूसरी रैम डाल रहा हूँ कि भी आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। दोबारा बनानी पड़ेगी पूरी। चले मैं कर लूंगा इसको। ठीक है ओके। अच्छा तो 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं यार, तो फिर इंशाल्लाह अभी ये हो जाएगा। मेरा 3.6 GB तो हो गया है तकरीबन। बस 5 मिनट में मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। क्या सर? हाँ यार ये जो है ना वर्चुअल मशीन मेरी स्टक कर गई है। आई डोंट नो कि ये स्टक क्यों कर गई है बिकॉज आई रियली हैव नो आइडिया। मैंने फायरफॉक्स चलाया तो वो स्टक थोड़ी सी हो गई है। ओवरलोड नहीं हो रही जी सर? ओवरलोड नहीं हो रही होगी कहीं सर? यार ओवरलोड पता नहीं, टास्क मैनेजर चेक कर लेता हूँ। आपने अभी एक वो पहले चलाया था आपने क्लाउडेयर से पहले रॉकर क्लाउडेयर चला रहे तो प्रॉब्ली साइड बाय साइड नहीं चला पा रहे इनको। नहीं यार ओवरलोड कुछ भी नहीं है। मेमोरी मेरी यूज हो रही है 6। ये मैं आपसे शेयर कर देता हूं। ये देखिए टास्क मैनेजर चल रहा है। मेमोरी यूसेज आप देखें CPU 27% यूज हो रहा है। मेमोरी सिर्फ 6 GB यूज हो रही है।
और हार्ड डिस्क 55% है, कुछ भी नहीं है यार। तो आई थिंक कोई और एरर है फिर, ये नहीं। हाँ वो कुछ इंटरनल कुछ गड़बड़ हो गई होगी इसकी। हाँ अब शायद कुछ नहीं यार, तो इट्स कंप्लीटली स्टक। इसका क्या करें भाई, रीस्टार्ट करें इसको क्या? अगर मैं मशीन को रीसेट करता हूं तो क्या होगा? डज एनीवन हैव एनी आईडिया? आई हैव नॉट डन इट बिफोर, तो बाकी किसी ने अगर किया है बता दो। व्हाट इज एसीपीआई शटडाउन? रनिंग स्क्रीन में आपका दो, अदर देन दिस I don't know, बट इसमें कंट्रोल ऑल डिलीट में किस तरह कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो सर कंट्रोल सी ट्रैक्स कंट्रोल सी नहीं, नथिंग वर्क्स, एंटर भी नहीं काम करना, शिफ्ट एंटर बिल्कुल ही शट डाउन हो गया। एक मिनट ठहरे मैं इसको। एक्चुअली इसमें क्रोम इंस्टॉल कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। सर पॉज और पॉज करें फिर रिसर्च शायद। यार मैंने रीसेट कर दिया, अल्लाह हाफिज है यार। लेट्स सी रीसेट पे क्या होता है। इसमें एक आई थिंक वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो है ना, सॉरी जो वीएमवेयर का वर्क स्टेशन है उसके अंदर एक ऑप्शन आता है सेंड कंट्रोल ऑल डिलीट, वो जरा ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे पता नहीं वो उसका क्या वो होगा। मतलब अरे यार चलिए ठीक है, सो लेट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ चलो शुक्र है यार, लेकिन उसने हिस्ट्री सारी डिलीट हो गई। बहरहाल मुझे अब वो कमांड दोबारा चलानी पड़ेगी। ये अपनी जगह पर है, मुझे कमांड में टाइम लगेगा एक्चुअली, मुझे जाना है जरा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है यार, पर सुडो डॉकर रन माइनस माइनस लाउड एरर डॉट क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट डॉट लाउड एरर, जरा डिक्टेट करवाएंगे मुझे।
स्पेस माइनस टी माइनस टी माइनस वी आगे स्लैश होम स्लैश तारिक जेसी आगे स्लैश डेस्कटॉप स्लैश डेटा सेट कॉलन कॉलन स्लैश यूजर स्लैश क्लाउडेरा स्लैश शेयर्ड ठीक है आगे स्पेस हाइफन आई स्पेस हाइफन पी ठीक है 8889 कॉलन 8888 आगे हाइफन पी 7180 कॉलन 7181 स्पेस क्लाउडेरा स्लैश क्विक स्टार्ट स्पेस स्लैश यूजर इस यूएसआर सर ऊपर भी यूएस अच्छा ऊपर यूजर यूएसआर स्लैश बिन स्लैश डॉकर हाइफन क्विक स्टार्ट नहीं सर ऊपर यूजर ही है नो नो सर यहाँ यूजर ही है ये भी ईआर है नहीं ये यूएसआर ये वाला यूएसआर है यूजर बिन डॉकर क्विक स्टार्ट ठीक है slash docker hyphen quick start ये अभी हो रहा है इसको भी मैंने असल में वो चेक कराना था हाँ ना अगर मैं अभी थोड़ा सा इसको
ये अभी इसको ले नहीं रहा है, चले इसको फिर अब जस्ट ट्राई टू, आप लोग अपने अपने पीसीज पे ना इसको करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू फॉलो द ट्यूटोरियल जो मैंने दिया है, कल फिर इसको सुबह दोबारा देखते हैं, सही है? ओके सर, कल क्या टाइम होंगे क्लासेस के? कल 10 बजे शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, और एक ही क्लास होगी कल? हाँ एक ही क्लास होगी, देखते हैं अभी, आखिर आपको एक दो क्लासें और भी लेनी पड़ेंगी, शायद एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को इसको चलाना है। चले फिर ठीक है, आई गॉट टू गो यार, वो नमाज का भी टाइम हो रहा है, सही है? ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये लोकल होस्ट चला के देखिए, उसमें ये कुछ अभी मेरे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ये हो जाएगा।